देखिए गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चन के साथ, बाकी क्वेश्चंस आप लोग करना। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमको निकालना है गाइस पैरेललोग्राम का एरिया, बोलने का मतलब ये अंदर वाला इनर पार्ट, इसका निकालना है। उसके लिए समझना होगा हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सही है, शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम को ऐसे लिख सकते हैं। फॉर्मूला होता है गाइस बेस इनटू हाइट। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि बेस होता क्या है और हाइट होती क्या है। तो मैंने क्या बोला तो समझो, जहां पर राइट एंगल गिरेगा, ये देखो राइट एंगल यहाँ पर गिरा है ना, तो मैंने क्या बोला जहां गिरेगा इसे बोला जाता है बेस। यानी क्वेश्चन में पी क्यू बोले तो 7, ये हमारा क्या है बेस। तो बेस कितना आ जाएगा गाइस 7। और हाइट, हाइट बोलने का मतलब जहां पर वो एटीट्यूड है, तो हाइट कितनी है गाइस 4 सेंटीमीटर, बोले तो एस। और इसका नाम अगर मैं कुछ दू तो समझ में दिया m, तो s m जो है वो हाइट है, क्लियर है। तो हाइट हो जाएगी यहाँ पर गाइस 4, क्लियर। तो अब इसको इंटू करो तो 7 4 28, क्लियर है मेरी बात। अब एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, तो अब देखो साइन किसमें दिया सेंटीमीटर में, तो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। वॉल्यूम होता है तो सेंटीमीटर क्यूब, साइड है तो सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, समझ में आ रहा है। तो ये बनने क्या करना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया निकल गया। अब देखो इसका एरिया रखते हैं सेम थिंग, तो मैंने बोला दोबारा से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फॉर्मूला इज बेस इनटू हाइट। तो दिस इज बेस कितना है भाई 2.5, पर हाइट कितनी है, हाइट है हमारी यही। फिर मैंने कहा इसका नाम एम ले लिया तो डीएफ, तो डीएफ कितना है इसका हाइट 3.5, इंटू कराओ। अब बच्चों को पॉइंट वाले इंटू कराने में डाउट आता है, तो देखो समझ लो 3.5 और 2.5 मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट को इग्नोर कर दो, एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, पॉइंट को क्या करा मैंने इग्नोर कर दिया, बस याद रखना एक एक संख्या के बाद पॉइंट था। तो 5 5 25 नॉर्मल इंटू 2 कैरी, 5 3 15 और 2 17, फिर मल्टीप्लाई 70, ओके जोड़ा 5 7 8, पॉइंट कितने के बाद था एक यहाँ था एक यहाँ था, तो एक और एक 2, पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगाओ 1 2, आंसर आया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से पैरेललोग्राम का एरिया निकालना आ गया होगा, हमारे को क्या करना होगा बेस को और हाइट को मल्टीप्लाई करना होगा, आया समझ। अब थोड़ा सा अलग हमें निकालना है गाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब दोबारा वही काम, हमारा राइट एंगल यहाँ पे कर रहा है, तो बेस हमारा हो गया 4, हाइट होगी जो खड़ी रहती है, तो बोले तो 3। तो मैंने कहा 1/2 बेस कितना है, बेस है 4, हाइट कितनी है, हाइट है 3। अब आप देखो डिवाइड में, पहले तो कुछ नहीं था लेकिन अब तो डिवाइड में 2 है, तो पहले 2 को देखो इन दोनों में से किसी एक नंबर के टेबल में आता है नहीं आता, यानी कट रहा है नहीं कट रहा, तो देखो 2 1 2 और 2 2 4, तो हमारा कट गया रिजल्ट 2 नीचे से। तो ऊपर वाला नंबर और नीचे वाले, ये ऊपर वाला नंबर और ये ऊपर वाला नंबर, देख रहे हैं आपको नीचे तो कुछ नहीं बचा, तो 2 3 बोले तो 2 3 6, और एरिया किसमें निकलता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से ये वाला देखो पॉइंट वाला, फिर मैंने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 बेस इनटू हाइट। अब देखो राइट एंगल का बनना यहाँ, तो राइट एंगल के नीचे वाला होगा बेस और जो लाइन खड़ी है वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, बोले तो हाइट। तो मैंने क्या बोला 1/2 बेस कितना है, बेस है 5, हाइट कितनी है 3.2। अब आप देखो फिर दोबारा पॉइंट आ गया, बच्चों को फिर उलझना है, तो मैंने क्या बोला पॉइंट को हटा भी सकते हो, कैसे, एक पॉइंट हटता है तो 1 0 लग जाता है, पता है आपको। अब 2 का टेबल में देखो 32 आता है, तो 2 1 2 आगे कैरी कर दिया 2 6 12, तो यहाँ आया 5 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 10, ओके 16 5 80 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 के टेबल में 80 आता है, आता है कितने बारी में, 8 बारी में, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। अब एरिया किसमें होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है भाई, बोलो। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगली क्लास में इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है गाइस, बाय बाय।